हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको बलून से टू लेयर फ्लावर कैसे बनाते हैं वो दिखाऊंगी। उसके लिए किन किन चीजों की जरूरत पड़ेगी आइए मैं आपको वो दिखाती हूँ। ये है फ्लावर शेप बलून क्लिप होल्डर, एक पीस इसकी जरूरत होगी। 5 डार्क ग्रीन बलून्स, 5 रेड बलून्स, 1 लाइट ग्रीन बलून्स। रिबिन चाहिए होगा और ये 5 ब्लैक बलून्स, 5 गोल्डन बलून्स एंड 1 ब्लैक बलून्स। ये कुछ शेप्स हैं बलून्स, सब एक बराबर हैं। इसके लिए कुछ शेप है, एक 5 इंची शेप है, ये 6 इंची और ये 8 इंची, इनकी भी जरूरत पड़ेगी। और ये वैक्यूम क्लीनर, हम तो इसी से ही हवा भरते हैं बलून्स में, तो ये इससे हवा भरेंगी। आइए शुरू करते हैं कि कैसे बनाते हैं। आइए अब शुरू करते हैं फ्लावर बनाना। ये 8 इंच का रखना है इसलिए इसमें ऐसे डालेंगे। और ये एक स्क्वायर दे दोगे? जब भी आवाज गार्ड लगाते टाइम रूम को ऐसे खींच लें और इसको बिल्कुल यहाँ से गार्ड लगाएं, इससे बलून सर्कल अच्छा रहेगा, मतलब बलून राउंड शेप में पूरा रहेगा। और अगर ऐसे नहीं लगाएंगे तो आगे दिखाते हैं आपको क्या हो जाएगा। जैसे जैसे अगर मैंने कांट ऐसे लगा दी तो ये बलून थोड़ा लंबा रह जाता है, इसलिए इसको ऐसे खींच के यहाँ पर अच्छे से लगाएं तो इससे बिल्कुल वो लगता है। ये 5 बलून ग्रीन कलर के रेडी हो गए हैं, 8 इंच के। अब मुझे 6 इंच के 5 बलून चाहिए हैं तो अब मैं उनको वो फुलाती हूँ। ये देखिए 5 रेड बलून भी रेडी हो गए हैं, देख लीजिए। अब हम 5 इंच का एक बलून फुलाने जा रहे हैं जो फ्लावर में सबसे ऊपर लगाएंगे। चलिए उसे फुलाते हैं। ये 5 इंच का फ्रेम है इसलिए तीन साल में बलून को अब हम फ्लावर क्लिप में बलून फंसाने जा रहे हैं। आइए देखें कैसे फंसाते हैं। ये बलून को लेंगे और इस तरीके से यहाँ पर करेंगे, ये होल दिख रहा है इधर को ऐसे साइड में फंसा देंगे इस तरीके से। और ये देखिए फंस गया है। ऐसे ही ग्रीन कलर का दूसरा बलून लेंगे और उसको भी यहाँ पर इस तरीके से फंसा देंगे। इसी तरीके से तीसरा बलून भी लेंगे। ये देखिए तीसरा भी फंस गया था, 3 बलून फंस चुके हैं। ये देखिए 1, 2, 3। अब मैं चौथा फंसाने जा रही हूँ। ये देखिए चौथा भी फंस गया। ये देखिए यहाँ पर। और अब ये मैं 5वां फंसाने जा रही हूँ। थोड़ी दिक्कत हो रही है फंसाने में, पर आप कोशिश करेंगे आराम से प्रैक्टिस आएगी तो फंस जाएगी। ये देखिए 5 बलून फंस गए। अब इस तरीके से इधर को सीधा करेंगे और रेड कलर के बलून लगाएंगे। रेड कलर के बलून जो हैं हमें यहाँ पे इस होल में फंसाने हैं, इस होल में। तो हमको यहाँ से ऐसे बलून लाना है और इस पर फंसाना है। ये ऊपर रखने होंगे क्योंकि फिर नीचे वो गार्ड चली गई है, तो इसलिए हमको इधर से ऐसे इस तरीके से, देखिए इस तरीके से लाने हैं और इस तरीके से ऐसे करके फंसाने हैं। ये देखिए ये पीछे देखिए इस तरीके से, पीछे में इस तरीके से आ गया। ये देखिए इस तरीके से, ये देखिए इस गार्ड में फंस गया। इसी तरीके से बाकी 4 भी फंसाने हैं। देख फंसा रहे हैं, फिर आपको दिखा रहे हैं।
ये लास्ट बलून है, इसे भी फंसा दे, मन तो मशक्कत पड़ रही है फंसाने में। वैसे बिना फ्लावर क्लिप के भी फ्लावर बनाया जा सकता है बलून से, मैं आपको इसके बाद वो भी दिखाऊंगी। जो सेंटर में होल दिख रहा है इसमें ये छोटा बलून फंसाएंगे, अब इसे भी फंसा देगा। ये देखिए बलून फ्लावर क्लिप से ये फ्लावर बनके तैयार है। ये इस तरीके से सब यहाँ पर बलून फंस गए। बिना इस क्लिप के भी वॉल फ्लावर बन सकता है और बहुत आसानी से बन सकता है, मैं आपको वो दिखाती हूँ। अब मैं आपको बिना क्लिप से फ्लावर बनाना सिखाती हूँ, और उसे बनाना इससे ज्यादा आसान है। जरूरी नहीं है कि आपके पास क्लिप हो, आपके पास क्लिप नहीं है तो भी आप फ्लावर बना सकते हैं और बहुत आसानी से बना सकते हैं। चलिए आपको दिखाते हैं कैसे बनाते हैं। चलिए बिना क्लिप से फ्लावर कैसे बनाया मैं वो बनाती हूँ। उसके लिए ब्लैक कलर के 5 बलून चाहिए हैं जो 8 इंच के हैं। चलिए मैं इनको फुलाती हूँ। अब मैं बाकी भी 4 फुला लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। ब्लैक कलर के 5 बलून फूल के तैयार हैं। ये देखिए आगे मैं गोल्डन फुलाती हूँ। अब मुझे 6 इंच के गोल्डन बलून चाहिए हैं, 5 बनाने हैं तो मैं इनको फुलाती हूँ और दिखाती हूँ। गोल्डन कलर के 6 इंच के 5 बलून ये भी तैयार है। देखिए ब्लैक कलर का 5 इंच का एक बलून चाहिए, वो फुलाते हैं। चलिए अब फ्लावर कैसे बनाते हैं, आइए देखें। चलिए अब फ्लावर बनाते हैं। देखिए यहाँ पे इस तरीके से एंट्री कार्ड लगाते हैं। फिर इन 2 बलून्स को साथ में लेकर के ये तीसरे वाले में भी गांठ लगा देंगे इस तरीके से है। और इसमें टाइटली सही कर देंगे इसको, और फिर इन दोनों में भी इस तरीके से गांठ लगा देंगे। और फिर इन दोनों तीनों आपस में इसे तरीके से ये गोल्डन वाले भी लगाएंगे। गोल्डन वाले इनको भी लेंगे आपस में इस तरीके से और इतने गांठ लगाएंगे। और इन दोनों को साथ लेके फिर इस तरीके से इसके गांठ लगाएंगे। फिर इनको भी आपस में ऐसे अब ये तैयार है। और अब इस सबसे उगाए बलून्स पे इसमें इस रिबन से गांठ लगाएंगे। ये रिबन से इस पे इस तरीके से गांठ लगाएंगे। और इस बलून को इसके टॉप पे रखेंगे ऐसे करके,
और इसको ऐसे नीचे निकाल देते हैं। ये तो फाइव सिंगल लेयर का बलून तैयार हो जाएगा। पर इसको ऐसे आराम से पकड़ेंगे क्योंकि ये थोड़ा सा भाग रहा है बाहर का। एक बार ये सेट हो जाएगा फिर दिक्कत नहीं आएगा। इसे सेट कर लेंगे और इस रिबन को आप बलून में नीचे से ऐसे निकाल कर ऐसे हटा देंगे। एक्स्ट्रा रिबिन काटना है, रिबिन काट दें यहाँ से, यहाँ से धीरे से काटे बलून में नहीं लगे नहीं बलून भी कट। ये एक्स्ट्रा रिबिन कट गया। अब ये देखिए ये फ्लावर बिना फ्लावर क्लिप के बनके तैयार है। देखिए ये बलून फ्लावर क्लिप से बनके तैयार हुआ बनाया था हमने। देखिए अंदर यहाँ पर ये फ्लावर क्लिप लगी है। ये बिना फ्लावर क्लिप के इसमें पीछे रिबन से मैंने इसको बांधा, आप लोगों ने देखा इसमें। और ये ज्यादा आसानी से बढ़ के तैयार हो जाता है। थोड़ी तो दिक्कत होगी क्योंकि फाइव बलून है उसको थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाते हैं, पर थोड़ा अगर आप करेंगे कोशिश तो बन जाएगा आसानी से। थैंक यू।